बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे कि समाजी कारकुन जिबरान ने कोरोना वायरस के सदेबाप के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इकदामात को सराहा है और अपने अमरीका के सफर के बारे में ऐसी तफसीलात फराहम कर दी हैं कि जानकर आपको भी हैरानी होगी। तफसीलात के मुताबिक समाजी कारकुन जिबरान नासिर ने ट्वीट पर पैगाम जारी करते हुए कहा है कि मैं अमरीका में एक हफ्ता गुजारने के बाद आज वापस पाकिस्तान पहुंचा हूं। मैं 3 एयरपोर्ट्स, मुतादिर ट्रेन और सबवे स्टेशन से गुजरा। अमरीकी मीडिया पर कोरोना वायरस के खतरे के बावजूद भी अमरीकी हुकाम की जानिब से कहीं पर भी स्क्रीनिंग का अमल देखने को नहीं मिला। तहां मुनासिब निज़ाम से ढूंढने के लिए कराची वापस पहुंच गया हूं। जिबरान नासिर ने इन इंतजाम पर सिंध हुकूमत की कावशों को सराहा। उन्होंने मजीद कहा कि मैंने अपनी नकल व हरकत महदूद कर दी है, मुझ में किसी किस्म की अलामत जाहिर नहीं हुई। अलबत्ता मैं इस निज़ाम से गुजरूंगा ताकि पाकिस्तान वापस आने वाले तमाम अफराद की हौसला अफजाई हो और वो भी ऐसा ही करें, महफूज और जिम्मेदार रहें। समाजी कारकुन जिबरान नासिर ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि मैं इन जवान और बूढ़े डॉक्टरों से मिला जो कि सिंध के महकमा सेहत के जेर साया एयरपोर्ट पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और रोज़ाना हज़ारों मुसाफरों से मिलते हैं जो कि मुख्तलिफ ममालिक से आ रहे हैं जिनमें कोरोना वायरस फैल चुका है। ये हमारे हीरोज़ हैं, ये कौम के बेलोस खिदमत है। तमाम सरकारी डॉक्टरों को मैं सलूट पेश करता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।